आज की साइकोलॉजी की क्लास में एक बार फिर से एचपी टेट के साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे 2012 से 2024 में क्लास 8th आज हमारी ये रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइन मोटर स्किल। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है वस्तु को पकड़ना यानी कि कैचिंग द ऑब्जेक्ट, दूसरा है कूदना यानी कि जंपिंग, तीसरा है बटन लगाना और चौथा है भोजन करना। ये एचपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी जंपिंग या कूदना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, तो कूदना जो है वो क्या है, एक मोटर स्किल है, ठीक है, एक छोटी मोटर स्किल है जिसका हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, भागना, कूदना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में काउंट की जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2022, सीटेट 2021 दिल्ली पीआरटी एग्जाम, 2012 सीटेट 2012, यूके टेट 2014, एचपी टेट 2018 और छत्तीसगढ़ टेट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपको जो है वो नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज द मीन बाय सोशल एनवायरनमेंट, हम किसे कहते हैं? तो पहला है शिक्षक और समाज को, टीचर एंड सोसाइटी, दूसरा है संबंधी यानी कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं मित्र और पड़ोसी, उसके बाद है माता पिता व परिवार के सदस्य यानी कि पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन एचपी टेट 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोशल एनवायरनमेंट में हम, उसके बाद हमारी फैमिली, पड़ोसी, मित्र, जो रिलेटिव्स हैं, हमारी स्कूल, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवेश यानी कि सोशल एनवायरनमेंट हम कहते हैं। इसमें हमारा जो आस पड़ोस है, धार्मिक संस्थाएं हैं या जो भी संगठन हैं, साधन हैं, सोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो सभी सोशल एनवायरनमेंट में काउंट की जाती हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी समूह से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है एक व्यवसाय में कार्यरत लोग यानी कि जो एक ही प्रकार के क्या करते हैं बिजनेस, जैसे कोई कंपनी है वहां पे लोग जो है वो काम करते हैं। उसके बाद है मित्र यानी कि फ्रेंड, तीसरा है पारिवारिक सदस्य एवं संबंधी जो फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव्स होते हैं वो, और उसके बाद है ए और बी यानी कि एक व्यवसाय में कार्यरत रोग और लोग और मित्र। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन एचपी टेट आर्ट्स दिसंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पे लोग इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, दोस्तों की तरह रहते हैं, तो वो ऑप्शन ए और बी दोनों ही जो है वो इसके साथ रिलेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी बोथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है यानी कि कोई बच्चा है उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, एज अ बेबी डिवेल्प, वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है, घटती है या ब्लॉक हो जाती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में कराया है, ये टेट सितंबर 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा ये सी टेट 2021 में भी आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की मानसिक उसका जो विकास है वो होता है तो उसकी मानसिक क्षमता जो है वो भी उसके साथ साथ जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, उसी के साथ साथ उसके अंदर जो है वो मेजोरिटी भी धीरे धीरे जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम कई बार उनको जो है वो गलत कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, यानी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले है बुद्धि का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, उसके बाद है बच्चे का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उसके बाद है कौशल का विकास, उसके बाद है व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन HPTET 2019 का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ ये फरवरी 2013 में भी HPTET आर्ट्स के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। ओके, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट रिलेट करती है किसके साथ, इंटेलिजेंसी के साथ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे बुद्धि के साथ रिलेट करती है, हमारे मस्तिष्क के साथ, मानसिक क्षमता जो है जिसमें चेतना, विचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में काउंट की जाती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जब बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है वहाँ से लेके, या आप बोल सकते हो कि जब बच्चा जो है वो एक दिन का है, अभी बच्चे का जो है वो जन्म हुआ है, एक दिन से लेके जो है वो उसकी मृत्यु तक जो उसके बिहेवियर में चेंज आता है, उसकी जो स्टडी होती है, हम उसको क्या कहते हैं। सबसे पहला है वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, दूसरा है मृत्यु का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ डेथ, तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एंड नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन डी सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका HPTET 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूस जो है वो उसकी डेवलपमेंटल होती रहती है बच्चे के अंदर, जैसे जैसे उसकी एज जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि बच्चे की जो है वो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्किनर के द्वारा कहा गया था। ये चीज जो है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्किनर ने जो है वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपना एक थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर सेम, नेक्स्ट है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो स्पेशल होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सम चिल्ड्रन आर अलाइक। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, दिल्ली PGT एग्जाम में पूछा गया था, UKTET 2011 में पूछा गया था, HPTET 2019, 2016 और 2016 में जो आपके दोनों एग्जाम हुए थे वहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये पेपर में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था, आप इसको नोट कर लें, NCF 2005 में जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार जो है वो बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है, क्रमिक विकास का मतलब क्या होता है, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है उसका मतलब क्या होता है, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है नाम से ही पता चल रहा है, क्रमिक विकास, क्रम बाय क्रम, ठीक है। ऑप्शन है तीव्र विकास, उसके बाद है वह विकास जो अनियमित हो, वह विकास जो निरंतर चले यानी कि कॉन्टिन्यूस चले, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 2019 के दोनों एग्जाम, जून और नवंबर के दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि
क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है जो स्टेप बाय स्टेप चले, कॉन्टिन्यूस चले, ठीक है, एक एक तरीके से, यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो चलता रहे, ग्रेजुअली जो है वो उसकी डेवलपमेंट होती रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का क्रम कैसा है, विकास का क्रम कैसा है। तो आपको ऑर्डर बताना है डेवलपमेंट का, ठीक है, इसमें हिंदी में दिया गया है पूंछ समीप अभिमुख, दूसरा है दूर समीप अभिमुख, तीसरा है पूंछ सिर अभिमुख, और लास्ट ऑप्शन है समीप दुराभिमुख या अधोमुखी, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं कि ना तो वो हमें प्रॉपर हिंदी में समझ आते हैं, ना तो वो हमें इंग्लिश में समझ आते हैं, बट वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो चेक करना है। ये क्वेश्चन आपका HPTET 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, समीप दुराभिमुख या अधोमुखी। अधोमुखी जो है वो इसमें ये चीज बताई जाती है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने धड़, फिर अपने हाथ, और उसके बाद जो है वो अपने पैर हिलाना शुरू करता है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम ये कहते हैं कि निकट से दूर की ओर, यानी कि जिसको एक प्रिंसिपल है, जैसे विकास का, डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है, नियर टू फार, नियर टू फार, यानी कि सबसे पहले जो नज़दीक वाली चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो दूर वाली चीज़ों पे हम जाते हैं। तो ये अधोमुखी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यही चीज़ बताता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताई गई है, डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चे का जो है वो सर का दिमाग आएगा, ठीक है, जो सिर है उसका, ठीक है, उसका ब्रेन है, सबसे पहले वो डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता जाएगा, डाउनवर्ड। उसके बाद उसकी आईज हैं, उसका फेस है, उसके हैंड वर्क करेंगे, हाथों के बाद जो है वो पाँव के तरफ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बच्चा चलने की स्थिति में जो है वो एक साल के बाद आता है, लेकिन एक साल से पहले अपने हाथ हिलाना जो है वो सीख जाता है। तो विकास का क्रम यही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है या उसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधी नहीं है, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। सेकंड है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी कि हमेशा लीनियर चलता है। उसके बाद है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। और लास्ट दिया गया है, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है, यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं, डिफरेंट पीपल्स में जो है वो डिपेंड करता है उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपका HPTET जून 2019 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो विकास है वो हर किसी व्यक्ति में अलग अलग होता है, हर किसी व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो डेवलपमेंट है उसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये नियर टू फार की तरफ चलता है, नियर टू फार की तरफ, सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, जो लोग हैं, पीपल हैं, वो एक दूसरे के साथ अलग अलग क्यों होते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो सकते हैं, लेकिन सोशली, मॉरली, इकोनॉमिकली, या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी फैक्टर है, कुछ किसी भी वजह से जो है वो व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। अगर दो सगे ब्रदर भी हैं, जुड़वा भी हैं, ट्विंस भी हैं, तब भी वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो क्या इसका रीज़न रहता है, सबसे पहले है वातावरण के प्रभाव के कारण, यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो इशू क्रिएट करता है। उसके जन्मजात विशेषताओं के कारण, जो बच्चे की जन्मजात करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कारण, उसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो फैक्टर है, उसके बाद है माता पिता से प्राप्त जीन के कारण, जीनों या जीन के कारण, यानी कि जो हेरिडिटी हमें अपने माता पिता से, जो जीन, जो गुणसूत्र हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, उनके कारण जो है वो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ये क्वेश्चन भी आपका ओरिजिनल पेपर का है, HPTET जून 2019 का।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। यानी आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस का आता है, सोशल एनवायरनमेंट का आता है, तो सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का ही रहता है। तो ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है। अब ये क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोई लड़की है, उसका नाम है सीमा, किसी भी लेसन को सबसे जल्दी सीख लेती है। अब उसकी कोई सहेली है लीना, उसका नाम है, उसे सीखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो ये विकास के किस सिद्धांत को बताता है, किस प्रिंसिपल को बताता है कि एक लड़की जो है वो जल्दी सीख लेती है और उसकी जो फ्रेंड है वो थोड़ा टाइम लगाती है सीखने में। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस थ्योरी को शो करता है, किस प्रिंसिपल को शो करता है। ये क्वेश्चन आपका HPTET आर्ट्स 2013 में पूछा गया था। उसके साथ साथ दिल्ली बोर्ड PRT का जो एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपसे पूछा गया था। CTET 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि दो बच्चे हैं, एक को जल्दी समझ में आता, दूसरे को जल्दी समझ में नहीं आता। यानी कि एक फास्ट लर्नर है, दूसरा स्लो लर्नर है। तो दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कुछ भी उसके इशू जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट का जो पार्ट है, डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से जो है वो ये कॉमन डिफरेंस बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। अगर 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें 30 के 30 बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे। ठीक है, या किसी का अगर पेपर लिया जाता है क्लास का, तो 30 के 30 बच्चों के जो है वो सेम मार्क्स नहीं आ सकते। हर कोई बच्चा जो है वो इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। उसकी वजह से बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ये विकास के इसी सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, हेड थ्योरी, ठीक है, जो सिर से चलती है, ठीक है, उसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। विकास जो है वो सिर से पैरों की तरफ होता है, हेड से टो की तरफ होता है। दूसरे में बताया गया कि पैर से सिर की तरफ होता है, यानी बिल्कुल अपोजिट। तीसरा है ऑप्शन, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर जाता है, ठीक है, सेंटर से जो है वो साइड की तरफ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HPTET 2019 के दोनों एग्जाम में पूछा गया था, उसके साथ साथ पंजाब टेट 2011, CTET 2015 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विकास जो है वो सिर से पैरों की ओर होता है। तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने रीड किया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने इसको रीड किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेम क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, दिस वन, द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। इसमें बताया गया था अधोमुखी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले जो है वो बच्चे का क्या आएगा, सिर आएगा। सिर के बाद जो है वो उसके हाथ आएंगे, हाथ के बाद जो है वो उसके पैरों तक विकास जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो विकास होता है उसको हम कहते हैं अधोमुखी, या फिर आप बोल सकते हो कि बच्चे का विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है और ये आपका दो बार HPTET के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, अब ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, किसने कहा था वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये शब्द किसके थे, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट बताया था इसमें कि हेरिडिटी जो है वो टोटल सम होती है, जो भी पर्सन की इनेट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें जो करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उसे ही वंशानुक्रम जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे डगलस होलैंड, उसके बाद था बी एन झा, पीटरसन एंड वुडवर्थ। ये क्वेश्चन आपका HPTET आर्ट्स 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और आपको ध्यान रखने की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं,
जो इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी 8th क्लास है और हर किसी क्लास में आपको लगभग 1 से 2 स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी हमारी क्लासेस रहेंगी, अगर उसमें से लगभग आपको 30-40 स्टेटमेंट भी अगर आपको इम्पोर्टेंट वहाँ पे मिलती है, तो हो सकता है कि वही वहीं से आपका सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए, तो आपके लिए वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बी एन झा। ये क्वेश्चन आपको हेरिडिटी के चैप्टर में कराया गया है। ये बी एन झा की एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हेरिडिटी जो है वो टोटल सम होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो जन्मजात उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बाय पेरेंट्स उसको जो है वो मिलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहा था बी एन झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुवांशिकता के मूल संवाहक किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं प्रोटीन, विटामिन, जीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो बेसिक कैरियर्स होते हैं हेरिडिटी का, यानी कि जो पेरेंट्स के थ्रू बच्चों में आते हैं, फिर बच्चों से जो है वो उनके बच्चों में जाते हैं, जैसे कि किसी के दादा जो हैं वो उसके उसके दादा के गुण जो हैं वो उनके बच्चों में जाएंगे, फिर उनको उनके बच्चों के गुण जो हैं वो उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिकता होती है, हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, तो उसको कौन निभाता है, उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली आपका एक बायोलॉजी की टर्म्स में भी आपका क्वेश्चन बनेगा, साइंस की फील्ड में भी, और उसके साथ साथ साइकोलॉजी में, जो आपका वंशानुक्रम और अनुवांशिकता या वातावरण का जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एचपी टेट 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि जीन्स जो हैं वो हेरिडिटी में जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमारे जीन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, जीन्स जिनके थ्रू हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, हेरिडिटी में जो कैरियर्स ट्रांसफर्स होते हैं वो बाय जीन्स के थ्रू होते हैं। तो ये जीन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र या फिर शुक्राणु, स्पर्म। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ये एचपी टेट जेबीटी जून 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीएनए ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, ईच एग सेल कंटेन वन क्रोमोजोम। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन आज के चले हैं प्रीवियस ईयर के, ये लगभग आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट चैप्टर के हैं, जो आपके एचपी टेट के ओरिजिनल पेपरों में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जून 2021 में पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि जो एग के अंदर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है एक्स, उसके बाद है बाय, फिर है एक्स एक्स और उसके बाद है बाय बाय। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, एग कंटेन वन क्रोमोजोम। अच्छा, एक चीज़ आपको और यहाँ पे नोट करनी है, टोटल जो है वो 23 जो है वो गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जो है वो कॉमन होते हैं और एक जो है वो फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। वैसे ही 23 ये फीमेल की बात कर रहा हूँ, ये मेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 22 सेम रहेंगे और एक जो है वो अलग होगा। फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में जो है वो एक्स और बाय गुणसूत्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जून 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप रीड कीजिएगा। यदि आनुवंशिकता एक विशिष्ट प्रकार का महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो दूर दूर रखकर पाले गए समरूप और भातृ यमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, सबसे पहला है भातृ यमज समरूप यमज की अपेक्षा समान व्यवहार व्यक्त करते हैं। देखिए फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी क्या होगी, हमें दिक्कत आएगी क्वेश्चन को समझने में कि बोला क्या गया। सेकंड ऑप्शन है, दोनों प्रकार के यमजों में व्यक्त व्यवहार में बहुत कम समानता होगी। थर्ड है, समरूप यमज भातृ यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। और लास्ट है कि दोनों का व्यवहार जो होगा वो कॉमन होगा। ये एचपी टेट 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समरूप यमज भातृ यमज की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि हेरिडिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है स्पेसिफिक बिहेवियर का, किसी भी बच्चे के व्यवहार को बताने में। अगर हम किसी का एक फ्यूचर 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 तरीके से जो है वो उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आइडेंटिकल एंड फैटरनल ट्विन्स का, तो उसमें जो व्यवहार होगा बच्चों का वो किस तरह का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें आइडेंटिकल ट्विन्स जो होंगे, जो जुड़वा बच्चे हैं एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, वो लगभग सेम टू सेम बिहेव जो है वो शो करेंगे किसके कंपैरिजन में, फैटरनल ट्विन्स के कंपैरिजन में। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका जीके की फॉर्म में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ ये एचपी टेट 2018 में साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होगा, यानी कि एक लड़की के जन्म के लिए जो है वो कौन से गुणसूत्रों की जो है वो जरूरत पड़ती है, कौन से क्रोमोजोम जो है वो एक लड़की के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी XX जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों X और Y गुण पाए जाते हैं। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि X और X जो है वो एक फीमेल में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 गुण कॉमन होते हैं और एक जो है वो अलग होता है। फीमेल में जो है वो XX पाया जाता है और मेल में जो है वो X और Y पाया जाता है। तो वैसे पूछा था X और Y किस में पाए जाते हैं, तो एक्स और बाय जो है वो ऑप्शन नंबर सी पुरुषों में पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। एचपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका में 46 आपको बताना है क्या होते हैं, 46 क्या होते हैं जिनकी वजह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स के थ्रू जो है वो बच्चों में पास होती है, यानी कि हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 के साथ एक और जो है वो गुणसूत्र आता है, 22 जो है वो कॉमन है, 22 जो है वो कॉमन है और एक जो है वो अलग आता है, मेल में अलग होगा फीमेल में अलग होगा, उनको गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोजोम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट 2013 में पूछा गया था। तो टोटल जो है वो आप ध्यान रखेंगे, टोटल क्या है, 46 जो है वो क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, 46 जो है वो गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको जोड़ों में पूछा जाए कि कितने पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पेयर कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 टोटल पेयर होते हैं और जो इनके अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो 46 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कितने जोड़े होते हैं, तो इसके जो जोड़े आएंगे पेयर आएंगे वो 23 आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 8 फरवरी 2013 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की तस्वीर क्या है, घोड़े की तस्वीर अब आपको बतानी है कि किस चीज को शो करती है एक घोड़े की तस्वीर। द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स इज, सबसे पहले है प्रतीकात्मक उद्दीपक है, सिंबॉलिक स्टिमुलस के बारे में, उसके बाद है प्रत्यक्ष या यथार्थ उद्दीपक, उसके बाद है संकेतात्मक उद्दीपक है या फिर घोतक उद्दीपक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। एचपी टेट 8 फरवरी 2016 के साथ साथ ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिंबॉलिक स्टिमुलस। देखिए डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो चीज जो है वो एक पिक्चर की फॉर्म में हमें शो करवाई जा रही है, तो घोड़े की तस्वीर जो है वो क्या है, एक प्रतीकात्मक उद्दीपक है, सिंबॉलिक स्टिमुलस है। अच्छा इसमें होगा क्या, जैसे ही हमें कोई पिक्चर जो है वो डायरेक्ट दिखाई जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड में जो है वो उसकी एक कल्पना करना जो है वो शुरू कर देते हैं। हमारी जितनी भी सेंस हैं, सेंस ऑर्गन है, वो सारे के सारे जो है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब तस्वीर दिखाई जा रही, डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में, एक पिक्चोरियल फॉर्म में हमें कोई चीज बताई जा रही है, तो ऑप्शन ए प्रतीकात्मक उद्दीपक इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। बच्चों पर किए गए अध्ययन, यानी कि कौन से बच्चों पर अध्ययन किया जाता है
जो बच्चे की इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से जो है वो वहाँ पे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ क्या लिखी गई है कि कौन से बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को निभाता है, यानी कि इंटेलिजेंसी को किसके साथ रिलेट किया गया है, इन्वायरमेंट के साथ, कि शो द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन द इंटेलिजेंस। तो किन बच्चों के ऊपर किया जाता है, जुड़वा के ऊपर, गोद के ऊपर, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 के पेपर में आपसे ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गोद लिए। ऑप्शन सी जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बात कही गई है, बुद्धि में वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट तरीके से। अब देखिए, अगर हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट होता तो वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स के थ्रू आया, ठीक है, किसी फीमेल ने जो है बच्चे को क्या दिया, जन्म दिया। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट के थ्रू समझ रहे हैं तो बच्चे को एडॉप्ट किया गया, तो उस तरीके से हम उसकी इंटेलिजेंसी को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, बच्चे शरीर, चरित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल में अलग अलग क्यों होते हैं, भिन्न क्यों होते हैं। बच्चों के अंदर जितनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे वो उनकी बॉडी से रिलेटेड हो, उनकी करैक्टर से रिलेटेड, उनकी वैल्यूज, उनके थॉट, उनकी थिंकिंग, बिहेवियर, स्किल्स, टैलेंट, हर किसी बच्चे के अंदर जो है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो किसकी वजह से होता है, ये आपको बताना है। पहला है पोषण की वजह से, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उसके बाद है कुपोषण के कारण, उसके बाद है अनुवांशिकता और परिवेश के कारण, इनकी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उसके बाद ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके अंदर, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, उनका करेक्टर हो, वैल्यू, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, स्किल, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं मोस्टली इन्वायरमेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ हेरिडिटी के ऊपर। 90% चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे, उसमें जो फैक्टर रहता है वो इन्वायरमेंट का रहता है, और 10% जो फैक्टर रहता है वो हेरिडिटी का रहता है। अब इसमें अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला हो, ठीक है, तो न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा, बच्चे की सिर्फ और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी। हम हर किसी एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, बिहेवियर स्किल है, उसके बाद थॉट है, थिंकिंग है, वैल्यूज हैं, करेक्टर है, बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, तो उसमें बेसिकली जो उसकी मेन उसके कॉजेज रहते हैं वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, ये आपका 2019 का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। सो ये सभी आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ये क्लास हमारी यूट्यूब एंड एप्लीकेशन दोनों के ऊपर जो है वो लाइव रहती है। सो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।